एलन मस्क के एक ट्वीट से ट्विटर पर बवाल मच गया है। ट्विटर को खरीदने के बाद अब एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो अब कोका कोला को खरीदेंगे। ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन से एलन मस्क काफी चर्चा में है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी में से एक ट्विटर को खरीदा है। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। एलन मस्क ने कुछ समय पहले ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब एलन मस्क ने ट्विटर इंक का 100% स्टैक हासिल कर लिया है। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क का एक नया ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला को खरीदने की बात कही है। एलन मस्क ने 28 अप्रैल की सुबह ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसको लेकर काफी बवाल मच गया है। मस्क ने ट्वीट किया, अब मैं कोका कोला खरीदूंगा ताकि कोकेन डाल सकूं। आधे घंटे में ही इस ट्वीट को 7 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं। कोका कोला काफी पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया में इसको खूब पिया जाता है। कोका कोला, जिसे लोग बड़े चाव से पीते हैं, वो भी असल में कोका की पत्तियों से बना हुआ एक पेय पदार्थ था, जो हल्का नशीला हुआ करता था। इसी कारण इसका नाम कोका कोला पड़ा। हालांकि 1906 के बाद कंपनी ने पत्तियों से कोकीन को अलग करना शुरू किया और फिर इसका इस्तेमाल पेय पदार्थ के लिए किया गया। कौन है एलन मस्क? एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते हैं। वह टेस्ला कंपनी सीईओ हैं। अब वह ट्विटर के मालिक बन गए हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक भी हैं। मस्क की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टाइम्स मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। मस्क पूरी दुनिया में अमेरिकी कारोबारी के तौर पर जाने जाते हैं। मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी माँ कनाडा की हैं, जबकि पिता दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। मस्क टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की कंपनी के सीईओ हैं। वह इन कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाते हैं। मस्क कोका कोला के मालिक कब बनते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक। Thank you.